गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो गाइस सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आज फाइनली हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है हमारी यूट्यूब फैमिली। इस पल का काफी टाइम से इंतजार था कि कब, मैं भी सोचता था कि मेरे कब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। मतलब मैं कितना भी थैंक यू बोलूं आपको कम है। हाँ वो बात अलग है कि 4000 घंटे वॉच टाइम का अभी कुछ ठिकाना नहीं है, अब वो भी हो जाएगा। तो गाइस एक न्यू यूट्यूबर के लिए ये जो स्टेज होता है ना 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने का, तो एक उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में है ना एक टाइप का बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। इस मोटिवेशन से एक न्यू यूट्यूबर को बहुत हेल्प मिलती है गाइस। इतनी हेल्प मतलब कैसा है कि ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ यूट्यूबर पे पॉसिबल है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारे भी सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, हमारे भी वीडियो चलेंगे और आगे चल के हमारा भी चैनल ग्रो करेगा। तो ये एक मोटिवेशन जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। और कुछ मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कमेंट में पूछा था कि मैंने गूगल एड्स पे कितना अमाउंट मतलब कितना पैसा लगाया है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी में, बताऊंगा आपको कि मैंने कितना पैसा लगाया था, क्या CPV वगैरह रहा था। चलिए चलते हैं गाड़ी में। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने गूगल एड्स पे कितना पैसा लगाया है। तो मैंने गूगल एड्स पे अभी कुछ समथिंग 10,000 रुपए के आसपास लगा दिया है। हाँ 10,000 से 12,000 रुपए के आसपास मैंने गूगल एड्स पे लगा दिया है, जो जिसमें मेरा फर्स्ट वीडियो जो है मतलब एक ही वीडियो पे मैंने लगाया है सब। तो चल रहा है गूगल एड्स से, मतलब क्या है कि है मतलब परफॉर्मेंस मिला है और अभी भी मेरा एड चल ही रहा है। और मेरा जो अभी एवरेज CPV है वो कुछ 14-15 पैसे का है अभी हाल में। और मैंने जो एड जो मैंने चलाया था वो मेरा रिकमेंडेड बजट के वजह से ना काफी हाई चले गया था। एक दिन का जो है मेरा बजट 5,300 रुपया दिया था गूगल ने, जो मैंने एक दिन चलाया था। उसके बाद फिर मैंने एड्स को एंड कर दिया और उसके बाद थोड़ा सा बैलेंस उसके अंदर बचा हुआ था, तो मैंने फिर उस बैलेंस के ऊपर मतलब लो बजट करके और एड को लगा दिया है। चले तो भी ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है, क्योंकि 5,300 रुपये का बजट तो अपन नहीं लगा सकते ना। गूगल ने रिकमेंड किया है तो जरूरी थोड़ी है कि जो रिकमेंड किया है वो लगा ही दो, अपने बजट में भी तो होना चाहिए वो अमाउंट। अगर आप गूगल एड्स के थ्रू चैनल ग्रो नहीं करना चाहते हो तो आप अच्छे कॉन्टेंट बना के, और अभी तो कैसा है कि किसी का भी वीडियो कब वायरल हो जाए तो उसका कोई वो नहीं है। अगर आप रेगुलर वीडियो बनाते हो तो चांसेस होते हैं वायरल होने के, लेकिन मेरे पास थोड़ा फंड था तो मैंने लगा दिया गूगल एड्स पे, तो उससे मेरे को मतलब अच्छा परफॉर्मेंस तो मिला है। लेकिन आगे मैं चाहता हूँ कि मैं आगे की जर्नी जो है वो गूगल एड्स से नहीं, अपने मेहनत से और अपने व्लॉग से अपनी फैमिली मेंबर्स को बढ़ाऊं, अपनी मेहनत से करूं आगे जो भी करना है। अब तो यही है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम है और आप मतलब यूट्यूब पे आप ग्रो करना चाहते हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप गूगल एड्स की भी हेल्प ले सकते हो। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरी जो न्यू यूट्यूब फैमिली है, मतलब मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मैं उनसे बात करूं और उनको बताऊं मैं कि एग्जैक्टली 1000 सब्सक्राइबर्स जो है मेरे कैसे हुए। और मेरे ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, अभी मेरे को चैनल बनाए हुए 1.5 मंथ हुआ है, 1.5 मंथ में मैंने मतलब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो मैं आगे मतलब व्लॉग बनाऊंगा और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगा, टारगेट तो बहुत बड़ा है अपना, तो उस हिसाब से चलेंगे। तो देखते हैं अब आगे की जर्नी जो है 1000 to 10,000 सब्सक्राइबर्स की है। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए। तो क्या है कि आगे का जो
सेकंड स्टेप है वो भी जल्दी पूरा हो जाए, और अभी तो एडवांस में 4000 वॉच आवर्स का टाइम पेंडिंग है, अभी तो वो भी पूरा करना है। तो मतलब क्या है कि अभी इतना बड़ा कोई सेलिब्रेशन का वो तो मोमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लिए ये काफी बड़ी बात है। तो उसके लिए मेरे सभी YouTube फैमिली मेंबर्स को एक बार फिर बिग थैंक यू वेरी मच। और गाइस चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और कल मतलब नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी आएगा, क्योंकि आज नाइट में या फिर कल मॉर्निंग में जा रहे हैं हम, तो जल्दी मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग देखने को, और अच्छी जगह का देखने को मिलेगा। तो बने रहिए चैनल पर, चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच।